अगले कुछ दिन भारतीय नौसेना की शक्ति और सामर्थ्य बढ़ाने वाले हैं। अगले 3 दिन तक नेवी की कमांडर कॉन्फ्रेंस चलेगी। भारतीय नौसेना इस दौरान ट्विन कैरियर ऑपरेशंस की ताकत पूरी दुनिया को दिखाएगी। देश के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर यानी INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य की क्षमता दिखाएंगे। 6 मार्च को अंडमान में नए नेवल बेस का उद्घाटन होगा और भारतीय नौसेना को सी हॉक जैसा जल योद्धा भी मिल जाएगा। लेकिन ये खबरें चीन और पाकिस्तान को बहुत परेशान कर रही हैं। भारत को जहां से भी खतरा होगा हम घर में घुस करके मारेंगे। भारत आज दुनिया की अगली कतार में पहुंच गया है। भारत एक बड़ा लीप लेने के लिए तैयार है तो उसके पीछे 10 साल का एक पावरफुल लॉन्च पैड है। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमको यदि कोई छेड़ेगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। इस संकल्प के साथ हम काम करते हैं। पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। हम किसी को आंख दिखाते नहीं, लेकिन किसी का आंख दिखाना भी हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंध है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, भारत का उत्तर है विक्रांत। आज दुनिया को भारत में विश्व मित्र का उदय होता दिख रहा है। जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वो सर्वशक्तिमान है। आज भारतवर्ष का समुद्र पर नियंत्रण भी है और भारत तेजी से सर्वशक्तिमान भी बन रहा है। सबूत आपको दिखाएंगे, पहले शंखनाद सुन लीजिए। जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। बंगाल की खाड़ी हो या हिंद महासागर या फिर अरब सागर, तीनों समंदर में भारतीय नौसेना का सिक्का चलता है। ये बात कोई और नहीं बल्कि विस्तारवादी के नाम से कुख्यात देश चीन का सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने अपनी सबसे नई रिपोर्ट में लिखा है। समंदर में भारत की बढ़ती ताकत और मोदी राज के 10 सालों में तैयार हुए भारत के जल व्यू से चीन इस कदर घबराया हुआ है। चीन के सरकारी प्रोपेगेंडा सेल ने हिंद महासागर में भारत के नए बेस को भारतीय वर्चस्व का प्रतीक बता दिया है। ग्लोबल टाइम्स की सबसे नई रिपोर्ट का शीर्षक है, न्यू बेस इन इंडियन ओशन शोज इंडियाज ऑब्सेशन ऑफ सुप्रीमेसी, यानी हिंद महासागर में नया बेस भारत के वर्चस्व के जुनून को दर्शाता है।
इस रिपोर्ट में लिखा है कि भारत 6 मार्च को मालदीव के पास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीपों पर एक नया बेस खोलने के लिए तैयार है, जहां से नई दिल्ली अपने सैनिकों को वापस लेना शुरू कर देगी। भारत अपने लिए बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और उसे पाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है। भारत के पास इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक बड़ी ताकत है। यह ताकत 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास की है। ये ताकत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मजबूती की है। दुनिया भर के समंदरों में जासूसी जहाज और सबमरीन छिपाने वाला ड्रैगन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है, क्योंकि 6 मार्च को भारत की नौसेना की ताकत बहुत बढ़ने वाली है। की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। चारों तरफ समंदर और बीचों बीच एक एयर स्ट्रिप और रनवे। लक्षद्वीप के मिनकॉय आइलैंड में बने भारतीय नौसेना के नए नेवल बेस आईएनएस जटायु की इस एक्सक्लूसिव तस्वीर को गौर से देख लीजिए। इस एक सैटेलाइट तस्वीर ने समंदर में शी की साजिशों को नाकाम कर दिया है। अरब सागर के बीचों बीच भारत वर्ष ने वो कर दिया है जिससे भारतीय नौसेना के महामंत्र शं नो वरुणा की शक्ति और क्षमता पूरी दुनिया को दिखा दी। लक्षद्वीप के मिनॉय आइलैंड पर भारतीय नौसेना का नया नेवल बेस आईएनएस जटायु रिकॉर्ड वक्त में बनकर तैयार हो गया है। 6 मार्च को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नए नेवल बेस आईएनएस जटायु का उद्घाटन कर सकते हैं। लक्षद्वीप मिनकॉय तिरुवंतपुरम से 425 किलोमीटर दूर है। लक्षद्वीप के नेवल बेस आईएनएस जटायु से वो मालदीव सिर्फ 524 किलोमीटर दूर है, जहां से चीन अरब सागर में भारत के खिलाफ साजिश करने की कोशिश करता है। इसी खबर से चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है, इतना कि विस्तारवादी चीन के सरकारी भौपोक ग्लोबल टाइम्स ने वसुदेव कुटुंबकम वाले भारत को ही वर्चस्व के लिए जुनूनी देश बता दिया। ये बात सच है कि पिछले 10 सालों में भारत बदल गया है। भारत में वर्चस्व का नहीं, विकसित होने का जुनून दिख रहा है। भारत के सामने बहुत बड़ा अवसर है। समर्थ भारत का सपना लेकर, विकसित भारत का सपना लेकर निकल पड़े हैं। हमें भारत को वो ऊंचाई देनी है, उस सफलता पर पहुंचाना है जिसका सपना हर स्वतंत्रता सेनानी ने देखा था। समंदर में भारत सर्वशक्तिमान बन रहा है, इसलिए चीन पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। इस हड़कंप के और सबूत आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए दुश्मन की घबराहट की वजह क्या है।
5 फरवरी से भारतीय नौसेना के कमांडरों का सम्मेलन शुरू हुआ है। ये कमांडर कॉन्फ्रेंस अगले 3 दिनों तक चलेगी। भारतीय नौसेना इस दौरान ट्विन कैरियर ऑपरेशंस की क्षमता का प्रदर्शन करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बार देश के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर यानी INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य की क्षमता देखने के लिए समंदर में उतरेंगे। राजनाथ सिंह इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान नौसेना कमांडरों को संबोधित करेंगे। सम्मेलन के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के प्रमुखों के अलावा नौसेना के कमांडर रहेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा में तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और तत्परता बढ़ाने पर जोर रहेगा। किसी भी स्वाभिमानी देश की सेना को बराबर तैयार रहना चाहिए अपनी रक्षा के लिए। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमको यदि कोई छेड़ेगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। इस संकल्प के साथ हम काम करते हैं। पहली बार समंदर में खुद को सुप्रीम समझने वाला ड्रैगन बुरी तरह से घबराया हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ भारतीय नौसेना की कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है, दूसरी तरफ 6 मार्च को लक्षद्वीप में नए एयरपोर्ट और एयरफील्ड का उद्घाटन हो जाएगा। मिनकॉय आइलैंड पर बने नए एयरपोर्ट और एयरफील्ड से फाइटर जेट्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और कमर्शियल विमान उड़ान भरेंगे। मिनकॉय आइलैंड के अलावा अगाती आइलैंड में भी एक नया बेस बनाया जाएगा। कवरत्ती में भी नया एयरबेस बनेगा। लक्षद्वीप में नए नेवल बेस और एयरबेस बनने के बाद समंदर में भारत की सामरिक और रणनीतिक ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। मिनकॉय आइलैंड से फाइटर जेट्स उड़ान भरेंगे तो भारत की ताकत अरब सागर में बेजोड़ हो जाएगी। जैसे ही मिनकॉय में नौसैनिक बेस बनेगा, इस इलाके के आसपास चीन की नौसेना जो हरकत करती है उस पर विराम लग जाएगा। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास। नए नेवल बेस के अलावा भारत को नौसेना के जंगी बेड़े में एक नया जल योद्धा भी शामिल हो रहा है। इस नए जल योद्धा का नाम है MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर। नौसेना का यह नया अटैक हेलीकॉप्टर समंदर के अंदर छिपी दुश्मन की सबमरीन का काल। रोमियो हेलीकॉप्टर से बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि अब इन समंदर में ड्रैगन की जासूसी पनडुब्बियों को पनाह नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री की नेतृत्व में, और जैसा उनका वो है, मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश का मस्तक किसी भी सूरत में हम लोग झुकने नहीं देंगे। अब आप दुश्मन को समंदर में डुबो देने की ताकत रखने वाले भारत के इस नए जल योद्धा की शक्ति और सामर्थ्य जान लीजिए। रोमियो 270 किलोमीटर से लेकर 330 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से उड़ सकता है। रोमियो हेलीकॉप्टर एक बार में 830 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। किसी फाइटर जेट की तरह रोमियो हेलीकॉप्टर 12,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी हवा में सीधे उठने की स्पीड 1650 फीट प्रति मिनट है। सी हॉक हेलीकॉप्टर का MH-60R एंटी सबमरीन वर्जन है। इसमें 2 Mach 46 टॉर्पीडो या MK-50 या MK-54S टॉर्पीडो लग सकते हैं। इसमें 4 से 8 AGM-114 हेलफायर मिसाइल लगाई जा सकती है। रोमियो को फ्रिगेट, कॉवेट या विध्वंसक युद्ध पोतों से भी ऑपरेट कर सकते हैं। रोमियो हेलीकॉप्टर पर दर्जनों आधुनिक सेंसर और रडार लगे हैं। रोमियो का अधिकतम टेक ऑफ वजन 10,433 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 64.8 फीट और ऊंचाई 17.23 फीट है।
देखिए कि भारत की बढ़ती नेवी ताकत से पाकिस्तान में कितनी खलबली मची है। ग्लोबल टाइम्स में छपी चीन की घबराहट लगातार बढ़ती जा रही है। भारतीय नौसेना की शक्ति और पाकिस्तान में मचा हड़कंप ये बताने के लिए काफी है। जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वो सर्वशक्तिमान है। आज भारत वर्ष का समुद्र पर नियंत्रण भी है और भारत तेजी से सर्वशक्तिमान भी बन रहा है। अगर अपने राज्य को विदेशी शक्तियों से सुरक्षित रखना है तो अपने अधिकार क्षेत्र के समुद्र को सुरक्षित रखना होगा। आने वाले समय में भारत कितना सुरक्षित और संपन्न राष्ट्र होगा, इसका निर्णय हमारी नौसेना की दृढ़ता पर निर्भर करेगा। हमारी नौसेना का इतिहास और विरासत हमेशा वीरों ने रचा, जिसके लिए देश उनका ईश्वर है, देशभक्ति उनका परम धर्म है और देश रक्षा उनका आदर्श कर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।